आज हम आपको एक ऐसी तीखी चटपटी जायकेदार हरी चटनी की रेसिपी देने वाले हैं जिसे आप कई सारी चीजों के साथ एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि समोसा चाट आलू पकौड़े आलू टिक्की और दही भल्ले। सभी चीजों के साथ ये चटनी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगे दोस्तों मेरा नाम है उमा रावत और स्वागत है आपका फूड साहब में इस चटनी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिक्सी का एक छोटा जाल लेंगे और हमने यहाँ पर एक मुट्ठी भरकर धनिया ले ली है इसके अंदर हमने ये धनिया के जो डंठल होते हैं ना, ग्रीन पार्ट्स डंडियां, ये भी शामिल किए हैं। इनसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है धनिया का तो ये अच्छे से धो लीजिएगा उसके बाद ही इनको इस्तेमाल कीजिएगा पीसने में दस से बारह पुदीने के ताजे पत्ते लेंगे इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज होता है इस चटनी के अंदर और अब हम चटनी के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए लहसन की एक बड़ी कली ऐड करेंगे यदि आप लहसन को पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बट अगर आप ऐड करेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा चटनी के अंदर पाँच से छः हरी मिर्च ऐड करेंगे या तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक इंच अदरक के टुकड़े को हमने छील कर ऐसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है इसे ऐड करेंगे और अब हम एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे एक अच्छा जीरा है और इसके साथ ही एक छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे नींबू ऐड करेंगे एक बड़े नींबू का रस नींबू ऐड कर देने से आपकी चटनी में एक वाइब्रेंट सा हरा कलर आएगा ग्रीन कलर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हरी धनिया की चटनी जल्दी पड़ जाती है चटनी का कलर काला ना हो इसके लिए आप इसमें नींबू और दही ऐड कीजिए पर एक बड़ा चम्मच भर कर दही ऐड करेंगे दही खट्टा नहीं होना चाहिए ताज़ा दही ऐड कीजिएगा दही ऐड कर देने से चटनी में एक अच्छा सा कलर आएगा और चटनी को एक अच्छी बॉडी और टेक्स्चर मिलेगा इसे अब हम पीस लेंगे चटनी हमारी बनकर रेडी है और इसे हम शिफ्ट कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार दिखने में वाइब्रेंट बहुत ही अच्छा सा कलर आया है यहाँ पर दही आप स्किप भी कर सकते हैं यदि आप नहीं खाते हैं या फिर आपके पास नहीं है आप सिर्फ नींबू ऐड कीजिए इससे भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा आपकी धनिया पुदीने की चटनी में अब ये चटनी तैयार है आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं दही भल्लों के अंदर आलू टिक्की की ड्रेसिंग में या फिर आप चाट पकौड़े खाते हैं आलू पकौड़े खाते हैं किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। इवन ये चटनी आप दाल चावल या फिर किसी भी स्टफिंग वाले पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी और चटकारेदार लगती है जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप ये चटनी स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर एक से डेढ़ हफ्ते के लिए ऐसे किसी कांच के एयरटाइट कंटेनर में से स्टोर कीजिए तो so, इस चटनी के अलावा आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे कि आलू टिक्की दही भल्ले सोट चटनी या फिर पानीपुरी कोई भी रेसिपी आपको चाहिए तो कॉमेंट कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे